हाय दोस्तों, हेलो, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू माय शो। दोस्तों, मैदान मूवी का ट्रेलर आ गया। पता नहीं यार, ये बॉलीवुड वाले क्या चाहते हैं, कैसी फिल्में बनाते हैं। इनको राइटर नहीं मिलता, इनको अच्छा कॉन्सेप्ट में नहीं मिलता। मतलब क्यों ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसका पहले से ही पता है कि फिल्म पिट जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। मैदान, आप लोगों ने ट्रेलर देखा, ट्रेलर देख करके आपको क्या लगा, क्या आइडिया आया? अजय देवगन साहब खुद को शाहरुख खान की तरफ पेश कर रहे हैं, जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने पेश किया था खुद को। अजय देवगन भी मुस्लिम कोच बने हैं, शाहरुख खान भी मुस्लिम कोच थे। वो शाहरुख खान जी के हॉकी था और अजय साहब जो लाए हैं वो लाए हैं फुटबॉल। मतलब क्या है, लोगों के पास कोई कहानी नहीं है। एक फिल्म पे जो ऑलरेडी काम हो गया, वो हिट हो गई, तारीफें लूट ली गई, हो गया जो होना था। वैसे तो स्पोर्ट्स पे ढेरों फिल्में बनी लेकिन किसी ने बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं किया। मतलब एक जो ह्यूज सक्सेस होता है वो किसी फिल्म का नहीं हुआ। बट हाँ, चक दे इंडिया हिट रही, एक और थी मैरी कॉम, वो भी एवरेज से हिट रही। महेंद्र सिंह धोनी, वो भी मतलब एवरेज से रही। बाकी 86 का क्या हुआ, 83 का क्या हुआ, अजहर का क्या हुआ, आप लोगों ने देख लिया है। मतलब राइटर नहीं है बॉलीवुड में, बहुत राइटर है, जेन्युइन बहुत सारे राइटर है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो डायरेक्टर है ना वो और प्रोड्यूसर पैसे नहीं देना चाहते राइटर्स को, देना चाहते हैं एक्टर को, क्योंकि वो दिखते हैं। अरे भाई साहब, कहानी अच्छी रहेगी ना तो हीरो अच्छा दिखेगा और फिल्म सक्सेस होगी। कहानी ही घटिया बदतरीन होगी तो उसमें हीरो क्या उखाड़ लेंगे, क्या उखाड़ेंगे बताइए ना आप, क्या एक्टिंग करेंगे। जब कोई बेस ही नहीं होगा, कोई कहानी ही नहीं होगा, क्या करेंगे एक्टिंग करके। और कहां से लोग भीड़ जमा हो जाएगी फिल्म देखने के लिए, कहीं से नहीं होगी सर, कहीं से नहीं होगी। और अजय भाई, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको कैरेक्टर का रोल करना है, ठीक है, इसमें आप कैरेक्टर ही रोल कर रहे हैं, यानी आप एक कोच बने हैं। लेकिन आप लोग मतलब कितना मथिएगा एक ही कॉन्सेप्ट पे, कितने लोग मतलब गर्दन को घुसाइएगा उस एक ही तालाब में, कितनी डुबकी लगाइएगा। छोड़िए आप सर, कुछ नया कॉन्सेप्ट निकालिए। है दुनिया में इवेंट की कमी नहीं है, कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है, कहानी की कमी नहीं है। आप लोग नए लोगों को सुनना नहीं चाहते, डिस्टर्ब होते हैं। कोई नया अगर आपके दरवाजे पे आता है कोई कहानी लेकर के, उसको आप लोग सुनते नहीं हैं, उस तक, और वो आप लोग तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि बीच में इतने आपने स्लीपर सेल लगा के रखे आप लोगों ने ना, कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है अच्छी कहानी आप लोगों तक लेके जाए, आपको पहुंचाए। ऐसी बात नहीं, मर गए हैं राइटर्स, नहीं मरे हैं जी, बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि चोरी हो जाएगी, कॉपी कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसकी कहानी सुनिएगा, उसके बाद उसको थोड़ा चेंज करके नई फिल्म बना दीजिएगा, वो बेचारा गया तेल लेने के लिए। राइटर को अगर देखा जाए ना तो एक एक्टर के बराबर में पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि कहानी उसकी है जो एक्टर को कहानी उस पर काम करने का मौका देती है, और वहाँ से फिल्म उठती है और फिल्म कामयाब होती है। तो ये जो मैदान फिल्म है ना आपकी, ये फ्लप कर जाएगी सर, श्योर एंड शॉर्ट फ्लप कर जाएगी ये फिल्म, आपकी चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि ये चल चुकी ना, चक दे इंडिया चल गई है अजय देवगन साहब, अब आपकी फिल्म क्यों चलेगी, क्यों जाएंगे लोग देखने के लिए, क्यों जाएंगे बताइए। आपने क्या किया होगा, शाहरुख खान से तो अच्छा नहीं किया होगा, जितना इमोशन, जितनी सारी चीज़ें करनी थी क्रिएट, शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में कर दिया, उसमें भी इमोशन था, उसमें भी गाली गलौज था, यानी कोच साहब को गाली सुननी पड़ती है, उसको देशद्रोही कहा जाता है, ये सब मामला होगा आपकी ये फिल्म में, तो वो सब तो हो गया, गद्दार वद्दार फला चिला, और फिर बाद में जीत भी दिला दी। और दूसरी बात कि हिंदुस्तान में तो फुटबॉल का कभी कुछ मामला ही नहीं रहा ना, हॉकी तो चूँकि है भी, इंडिया का नेशनल गेम है, फुटबॉल क्या है, क्रिकेट है, फुटबॉल को तो लोग देखते ही नहीं है। देखने वाले हैं, वर्ल्ड में बेहतरीन चीज़ है वो, लेकिन उस पर भी गोल तोल बन चुकी है सर, नहीं चलेगी। आप
अच्छे राइटरों से मिलिए, जेन्युइन राइटरों से, और कहानी है आपके लिए भी है। अब जो उम्र है उस हिसाब की फिल्में बनाइए। अब हमेशा आप अति मजे सटकली वाला काम कीजिएगा और चाहिएगा कि रॉक स्टार बन करके मतलब थोड़ा एक्शन फाइट वाइट कर, नहीं सर उम्र होती है हर चीज़।